जी किसी को टॉपिक याद रहा और कदीम के अलावा किसी और विषय का टॉपिक था कि नहीं था मीडिया के हवाले से, मीडिया प्रेपरेशन। सर उसका ही टॉपिक था मीडिया फॉर लैक्टोबैसिलस और एस्पिरेशन प्लाइट। सिर्फ नदीम का टॉपिक था और किसी को नहीं दिया गया था ये वाला। अब जी सर यही कुछ नदीम का ही था। इसमें प्रॉब्लम ये है कि नदीम ने सिर्फ वो दो मीडिया डिशेस किए जो आपकी बुक में दिए गए हैं, लेकिन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए उन दो के अलावा बहुत से और मीडिया रिक्वायर्ड होते हैं। क्या आप में से कोई किसी और मीडिया के नाम और उसके इंग्रेडिएंट से वाकिफ है कि नहीं? अगर आपसे कहा जाए कि क्लास में से कोई बच्चा बता सकता है कि हमने बैक्टीरिया को ग्रो करना है, दो मीडिया जो उसने किए थे, तो मुझे उनके नाम को याद नहीं रहेगा उसने कौन कौन से किए थे, लेकिन बहर वो बुक में से उसने लिए थे और वो तो बुक में मौजूद है। उनसे हट के हमने कुछ मीडिया को डिस्कस करना है। किसी के जहन में कोई टॉपिक हो, इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, चलें कोई मसला नहीं। हमारा सिलेबस का टॉपिक है प्रेपरेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रोथ मीडिया, ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है। अब जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि नदीम ने आपके सामने दो मीडिया बयान किए थे, अगर किसी के नॉलेज में हो, किसी को याद रहा हो, तो ये टॉपिक बुक किसी खास पेज पे था, बुक किस पेज पे था, वो मीडिया कौन से थे, किसी को अगर याद है, किसी को वो पेज नंबर याद है, जरा पेज देख के बता दीजिए कि उसने कौन से मीडिया डिस्कस किए थे। एनीवन हु रिमेंबर्स? नदीम भाई ने तो लैक्टोबैसिलस और इकोलाई के लिए वो दिया था ना कि उनको कैसे ग्रो करते हैं हम। उसमें उनके मीडिया के नेम थे कि नहीं थे दिए हुए, और मीडिया के नेम्स दिए हुए थे कि नहीं दिए हुए? सर नहीं दिए हुए थे, सिर्फ उनकी कॉम्पोजिशन बताई थी उसमें। चलें ठीक हो गया। चलें आप ऐसे कीजिए, आप लोग दो तरीके हैं इसको करने के, ज़्यादा दो तीन जो उनसे भी आप करने जाएं। एक तो यह है कि सिर्फ सुन लें, सुनेंगे तो ये आपको भूल जाएगा मैंने क्या कहा। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि आप लोग नोट कर लें, लिखें। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सुनते रहें और वेट करें कि मैं इसको अपलोड करूं, टाइम क्योंकि हमारे पास टाइम ही बहुत वैसे रह गया। पर मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक अहम या एक बहुत ही मशहूर मीडियम जो है वो मेंशन कर दूँ। अब मुझे याद नहीं है कि नदीम वाले कौन से थे और जो मैं बयान करूँगा ये दोनों मैच अप ना हो जाए, दोनों सेम ना हो, कोई गलत मसला हो सकता है। एनी हाउ, मीडिया कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रेपरेशन और स्टेबलाइजेशन कैसे की जाती है, उसको कैसे डालते हैं, ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। या देखिए मैं इसको प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहा था। पर जो मीडियम जो सबसे ज़्यादा मशहूर मीडियम है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, मैं उसका नाम, उसकी कंपोजिशन और उसको प्रिपेयर करने का तरीका बयान कर रहा हूँ। इसको गौर से सुन लीजिए या नोट कर लीजिए, अदरवाइज फिर आप इंशाल्लाह को शुरू से इसको अपलोड कर दें, तो देख सकते हैं कि मीडियम का नाम है जी न्यूट्रिएंट एगर। क्या ये एक्सप्लेन तो नहीं हुआ था पहले से? तो ये एक्सप्लेन तो नहीं किया था न्यूट्रिएंट एगर? सर चलिए बार मैं कमीशन बोल रहा हूँ जी, जो तो चीजें हमने लेनी है, नंबर वन बीफ एक्सट्रैक्ट। एक्सप्लेन सोच का होगा बीफ एक्सट्रैक्ट क्यों सवाल किया जाता है। 3 ग्राम्स, पेक्टोन 5 ग्राम, एगर 1.5 ग्राम और डिस्टिल वाटर 1 लीटर जो 1000 ml के बराबर। ये आपकी तीन चीजें हैं और पानी है। प्रेपरेशन हम इसको कैसे तैयार करेंगे? अब जो तीन चीजें दी गई हैं, जाहिर है कि बीफ एक्सट्रैक्ट है, पेप्टोन है, एगर है, इन सब को डिस्टिल वाटर में ऐसे ही डालते जाएंगे। देखें कि टोटल वाटर लीटर है, आपने जिस जगह पर इसको प्रिपेयर करना है उस क्लास के अंदर पहले आप तकरीबन फर्स्ट लीजिए आधा पानी डाल दीजिए, कुछ नहीं भरना, आधा। उसके अंदर पहला इंग्रेडिएंट डाल दें, उसको शेक करें कि वो हल हो जाए, ठीक। सेकेंड उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट डालेंगे, पहले आपने बीफ एक्स्ट्रा डाला है, फिर आपने पेप्टो डाल दी, फिर उसके बाद उसमें आपने एगर डाल देना। जब ये सब कुछ डाल दें, उसको शेक करें और फिर उसमें कितना पानी डालें, 1 लीटर तो आपको मेरी कर रखा हो पहले से कि आपको एक्चुअल जो पानी की मिकदार है उसमें वो पूरा 1 लीटर 1000 ml। अब पहला हिसाब तो हो गया, आप इस चीज़ों को फिक्स कर दीजिए। अगर
अगरचे आपने सब चीज़ें जो ली हैं वो पॉसिबिलिटी तो यही होती है कि वो साफ हो किसी तरह से डिस्टिल वाटर को साफ करते हैं और अगर ये रिलायबल सोर्स से आए हों तो जो इंग्रेडिएंट है वो भी तरह से बात कर सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं वो भी कोशिश की जाती है कि पहले से साफ हो, लेकिन उसके बावजूद आपने इस मीडियम को स्टेबलाइज कर और सब देखा था पहले डिस्टिल सोचता हुआ आपने उस फ्लास्क को जिसमें आपका प्रिपेयर होने वाला मीडियम मौजूद है, आमतौर पर राउंड वाटर फ्लास्क होती है लंबे गर्दन वाली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और उसका ग्लास ऐसा होना चाहिए, पीछे ऐसा होना चाहिए जो हीट रेजिस्टेंस हो, यानी पायरेक्स की बनी हुई होनी चाहिए बॉटी के लिए। पायरेक्स, चीना और इस तरह के बहुत से और ब्रांड्स हैं जो हीट रेजिस्टेंस होते हैं। उसको आपने ऑटोक्लेव में रख दिया था और ऑटोक्लेव का जो प्रेशर होता है वो 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच पे मेंटेन किया जाता है। इस प्रेशर पे जब वो ऑटोक्लेव चलना शुरू होगा तो उसका टेम्परेचर वो स्टीम बनना शुरू हो जाएगी 121 डिग्री सेल्सियस आज, और इस टेम्परेचर पे 58 मिनट्स के अंदर मेजॉरिटी बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, मेजॉरिटी बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और आपका जो मीडियम है स्टरलाइज होता है। उसके बाद ऑटोक्लेव बंद कर दें, उसको ओपन करें। अब चूंकि वो भाई गर्म है उसको हैंडल विद केयर, ऐसे ग्लव्स अवेलेबल होते हैं जो आप पहन सकते हैं गर्म चीज़ को पकड़ने के लिए। घरों में भी अगर आप ओवन इस्तेमाल करते हैं तो उसको निकालने के लिए ऐसे ग्लव्स यूज किए जाते हैं। उसको रखेंगे इतने टाइम के लिए कि वो तकरीबन 45-50 की रेंज में आ जाएगा, तो इसका जब इस टेम्परेचर में आ जाता है तो फिर आपने उसको अपनी पेट डिशेज या कॉस्ट्यूम्स के अंदर कोट करना है। पेट डिशेज में एक खास गहराई पेट डिश तकरीबन 1 सेंटीमीटर की होता है, उसका तकरीबन हाथ जो है वो आप फिलअप कर सकते हो, और फिलअप करने के बाद उसके ऊपर आपने अपने पेट चीज